साथियों, राजनीतिक पार्टियों का यह दायित्व होता है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद ही समस्याओं की जननी है। आप आजादी के बाद से गिनना शुरू करिए, देश का विभाजन हुआ, मजहब के नाम पर ये विभाजन किसने करवाया, किसने करवाया, किसने करवाया? देश आजाद हुई होते ही कश्मीर में समस्या खड़ी कर दी गई। कश्मीर में समस्या किसने पैदा की, जरा पूरी ताकत से बताइए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। ये कश्मीर को किसने मुसीबत में डाला? हमारे आसपास ही दुनिया के कई देश आजाद हुए, वो हमसे कहीं आगे बढ़ गए, लेकिन हमारा भारत पिछड़ता गया। तब ज्यादातर समय देश में किसकी सरकार थी? देश दशकों तक आतंकवाद का शिकार रहा, आए दिन कहीं भी बम ब्लास्ट हो जाते थे, तुष्टीकरण के लिए आतंकवादियों को संरक्षण कौन देता था, आतंकवादियों को संरक्षण कौन देता था? देश में नक्सलवाद जैसी समस्या इतनी विकराल हो गई, ये लाल आतंक किसकी देन था, किसकी देन था? साथियों, आजादी के 7 दशक बाद तक राम मंदिर का 500 साल पुराना विवाद बना हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर अड़ंगा कौन लगाता था, अड़ंगा कौन लगाता था? कोर्ट में किस पार्टी के लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे? कौन सी पार्टी के वकील सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते थे कि राम मंदिर पर फैसला न सुनाए? किस पार्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का बहिष्कार किया? किस पार्टी ने दशकों तक बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिलने दिया? इतने दशकों से हमारे लोग पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, किसने पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा किया? हर बात का जवाब एक ही है, एक ही है कि नहीं है, एक ही है कि नहीं है?